देखो देखो ये सब्जेक्टिव शीट नंबर कौन सी है 34 सब्जेक्टिव शीट नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 8 सब्जेक्टिव 34 का क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज एक बार रीड करो इससे क्या है क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है एन आइडल मोनोटॉमिक गैस इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर बाय अ स्प्रिंग लोडेड पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन 8×10⁻³ ठीक इनिशियली द गैस इज एट 300 केल्विन एंड ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.4×10⁻³ मीटर क्यूब And the spring is in the relaxed state as shown in the figure. कह रहा है इस कंटेनर में गैस है गैस कोई कंप्रेस नहीं है कोई एक्सपेंडेड नहीं कुछ नहीं नॉर्मल पोजिशन पर गैस है यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर गैस है और स्प्रिंग लगा हुआ है इसके ऊपर पिस्टन के साथ द गैस इज हीटेड बाय अ स्मॉल हीटर हमने क्या किया इसका टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन था आपको आपने गैस को गर्म कर दिया जब आपने गैस को हीट किया तो ये पिस्टन अंदर की तरफ बाहर की तरफ सॉरी शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आके रुक जाएगा एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं तो रुकेगा आके तो कंप्रेस करके वो यहां पे आके रुक गया फिर से इट हैज अटेंड इक्विलिब्रियम पोजीशन और इसमें कंप्रेशन स्प्रिंग की 0.1 मीटर है कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस आपको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट पता है सिलेंडर एंड पिस्टन आर थर्मली इंसुलेटेड हीट यहां से बाहर नहीं जाएगी पिस्टन एंड स्प्रिंग आर मासलेस एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर निगलेक्ट एनी हीट लॉस थ्रू लेड वायर बाकी कुछ नहीं पड़ना तो बेसिकली इसमें होगा क्या देखो एक सिंपल क्वेश्चन है जो आप केमिस्ट्री में नॉर्मली यूज करते हो अगर इतनी लंबी स्टोरी ना सुनाई जाए तो एक सिंपल चीज ये बताई जाए कि पहले प्रेशर P1 था वॉल्यूम V1 था टेम्परेचर T1 था नंबर ऑफ मोल तो सेम ही रहेंगे फिर प्रेशर P2 हो गया टेम्परेचर T2 हो गया वॉल्यूम V2 हो गया तो आप केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन लगाते हो ना P1V1 by T1 = P2V2 by T2 तो आपको इनिशियल टेम्परेचर T1 पता है ये मालूम है अगर मैं आपको P1V1 P2V2 बता दूं तो नया टेम्परेचर T2 आ जाएगा जब वो पिस्टन खुल गया तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या यूज करना है इसमें तो सबसे पहले जब एक गैस नॉर्मल पोजिशन पे थी तो हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाई तो उसका प्रेशर क्या लिया जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर 10⁵ क्योंकि कंप्रेस्ड या फिर क्योंकि मासलेस पिस्टन है अदरवाइज क्या होगा वो पिस्टन कंप्रेस हो जाएगा या एक्सपैंड हो जाएगा तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे काम कर रहे हैं अंदर भी एटमोस्फेयर बाहर भी एटमोस्फेयर तो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है तभी स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजिशन पे है अब क्या हुआ फाइनल प्रेशर क्या हुआ देखो फाइनल प्रेशर में आपने कितना प्रेशर लगाया यहां से P2 हीट करने से प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई देखो P2 फाइनल प्रेशर गैस का P2 अब P2 की वैल्यू कितनी होगी एटमोस्फेरिक प्रेशर तो होगी होगी P1 प्लस
साथ में kx by a, kx का मतलब स्प्रिंग की फोर्स, स्प्रिंग की फोर्स अपॉन पिस्टन का एरिया इज प्रेशर ऑन पिस्टन। तो कईयों को यह समझ में नहीं आता, ऐसा कर लें, चलो सपोज स्प्रिंग की तरफ खड़े हो जाते हैं इस तरफ, और क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है अभी हमने डिस्कस किया, उस तरफ से प्रेशर कितना लग रहा है P2, बाहर से कितना लग रहा है P1, एटमॉस्फेरिक तो लग ही रहा है, साथ में स्प्रिंग का भी प्रेशर लग रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है, पहले स्प्रिंग इसलिए नॉर्मल पोजीशन पे था क्योंकि अंदर भी एटमॉस्फेरिक बाहर भी एटमॉस्फेरिक है, अब अंदर का प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर से ज्यादा बढ़ गया, तभी तो पिस्टन बाहर की तरफ आया, तो P2 नया प्रेशर P1, जो इस तरफ का प्रेशर है P1 प्लस स्प्रिंग की फोर्स कितनी है kx, kx को किससे डिवाइड किया एरिया। ये पॉइंट सबको क्लियर, नया प्रेशर क्या होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा बाय द अमाउंट ऑफ दिस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, k पता है, कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग पता है, एरिया पता है पिस्टन का, तो नया प्रेशर आ गया। अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ गया क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, पहले वॉल्यूम कितना था V1 था, V1 आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, अब वॉल्यूम कितना चेंज हो गया, जो पिस्टन है वो x शिफ्ट हो गया, पिस्टन का एरिया कितना है a इंटू x क्या हो जाएगा वॉल्यूम, जो एक्सपेंशन का वॉल्यूम है, तो एरिया इंटू x, तो V2 की वैल्यू आ गई, V1 पता है, एरिया पता है, x पता है, V2 आ गया, तो यहां पुट कर देते हैं P2 P1 V2 V1 T1 300 केल्विन गिवन ही है, तो नया टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। पॉसिबल है क्योंकि ये कह रहा है कि वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है ज्यादा, तो प्रेशर क्या होना चाहिए था कम, पर आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जिससे इसका प्रेशर बढ़ गया, तो इसलिए पी और वी दोनों बढ़ रहे हैं इसमें। ठीक, तो आइडिया क्लियर है इस क्वेश्चन में कैसे करना है। ठीक, नेक्स्ट देखो एक बार, ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था, ये हो गया था, वैसे मैंने बताया था प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है एयर में, फिर से बताऊं, ठीक तो चलो ठीक है यहां से कर लेते हैं। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर फिगर शोज अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल सेपरेटेड इन टू पार्ट्स बाय अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन फ्री टू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द वेसल। ये पिस्टन है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 90 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ कितनी है 90 सेंटीमीटर है, एंड पिस्टन डिवाइड द सिलेंडर इन द रेशियो 5:4, तो ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये 40 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 5:4 हो गया। ठीक, ईच ऑफ द पार्ट्स टू पार्ट्स ऑफ द वेसल कंटेन 0.1 मोल ऑफ आइडल गैस, इसमें भी 0.1 आइडल गैस है, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 300 केल्विन इन ईच पार्ट, हर पार्ट के अंदर 300 केल्विन का टेम्परेचर है, कैलकुलेट मास ऑफ द पिस्टन। अब ये यहां पे आके किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में, ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर आ रहा है, तो नीचे और ऊपर की फोर्सेस क्या करेंगे सेम, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखो कैसे बनाएंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऐसे बनाएंगे, एक तो पिस्टन का नीचे की तरफ क्या लग रहा है वेट, ऊपर से क्या लग रहा है ऊपर की गैस का प्रेशर, और नीचे की गैस ऊपर के पिस्टन पे प्रेशर लगाएगी P2, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी नीचे से प्रेशर लग रहा है P2 कितने एरिया के ऊपर A, और वो किसको बैलेंस कर रहा है, एक तो वेट को बैलेंस कर रहा है mg, और साथ में ऊपर के प्रेशर को भी बैलेंस कर रहा है, ऊपर का प्रेशर कितने P1 और कितने एरिया के ऊपर A, तो ऊपर से फोर्स कितनी लग रही है ऊपर की गैस की P1 into A, जो पिस्टन को नीचे दबा रही है, वेट भी नीचे दबा रहा है, पर नीचे वाले पिस्टन नीचे वाला पोर्शन है उसमें प्रेशर P2 into एरिया, फोर्स उसे बचा के रख रही है, तो इक्विलिब्रियम बन गया इसमें, तो ये स्टेप क्लियर है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्लियर है। अब वो कह रहा है जी कि PV = nRT की इक्वेशन अप्लाई करेंगे अपर एंड लोअर पार्ट में,
ऊपर वाले पार्ट में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि वो कह रहे हैं टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो दोनों में एग्जैक्टली सेम है, दोनों पार्ट्स में टेम्परेचर की वैल्यू रिमेन्स सेम. तो ऊपर वाले पार्ट में पी वी, पी फॉर प्रेशर, पी वन ऊपर वाले पोर्शन में, और ऊपर वाले पोर्शन की लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर एल वन, और एरिया कितना है ए, तो वॉल्यूम क्या आएगा एल वन इंटू ए. ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? तो पी वन इंटू वॉल्यूम की जगह एल वन इंटू ए, और नीचे वाले पोर्शन की लेंथ कितनी है एल टू, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वॉल्यूम. तो पी टू इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी. तो एन नंबर ऑफ मोल सेम है दोनों में, ऊपर और नीचे, टेम्परेचर सेम है, तो राइट हैंड साइड दोनों का सेम है. ये स्टेप समझ में आया? पी वी इक्वल टू एन आर टी में वॉल्यूम निकाल लोगे ऊपर और नीचे वाले पोर्शन का. इन्हें इक्वेट कर लेते हैं लेफ्ट और राइट को, या इक्वेट की बजाय काम करते हैं हम, यहां से पी वन निकाल लेते हैं, यहां से पी टू निकाल लेते हैं, एन आर टी बाय दिस, एन आर टी बाय दिस, यहां पर उठा के पुट कर देते हैं. तो यहां से जब ऊपर पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. आपको इसमें मास ऑफ पिस्टन निकालना है. इस इक्वेशन में m एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ. नंबर ऑफ मोल्स पता है, r पता है, टेम्परेचर पता है, g पता है, दोनों की लेंथ 50 और 40 पता है. मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मास ऑफ पिस्टन आ जाएगा. ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई. इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के फिर हमने इसे क्या किया, मास के लिए सॉल्व किया. कोई डाउट इसमें? इसमें क्वेश्चन इज कि फिगर शोज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ वॉल्यूम वी नॉट. तो एक ट्यूब है जिसका वॉल्यूम कितना है, वी नॉट है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ फ्रिक्शनलेस सेपरेटर. तो दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, एक में प्रेशर पी वन है, एक में प्रेशर पी टू है. तो वॉल्स ऑफ द ट्यूब आर एडियाबेटिक बट सेपरेटर इज कंडक्टिंग. वो कह रहे हैं कि यहां से हीट बाहर नहीं जा सकती पर इसमें से अंदर बाहर जा सकती है, एक्सचेंज हो सकती है. तो When separator is kept in the middle, बिल्कुल मिडल में रखा था सेपरेटर पहले, प्रेशर्स आर पी वन एंड पी टू, ये छोटे बड़े प्रेशर थे, तो ये जो स्लाइडर है ये यहां पर इक्विलिब्रियम में रह नहीं पाएगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके. द सेपरेटर इज स्लोली स्लाइडेड एंड इज रिलीज्ड एट अ पोजिशन वेयर इट कैन स्टे इन द
इक्विलिब्रियम. तो हम उसको वहां पर ले गए जहां पर इक्विलिब्रियम में हो सकता था. तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स कितना है इसमें, ठीक, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, वी नॉट है. देखो लगेगी तो इसमें इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी. कैसे, सबसे पहले लेट अस सपोज इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कॉमन टेम्परेचर दोनों का टी है. टेम्परेचर इसलिए डिफरेंट नहीं है शुरू में या बाद में भी क्योंकि वॉल्स कंडक्टिंग है, हीट उस स्लाइडर के अंदर बाहर जा सकती है और हीट क्योंकि अंदर बाहर जा सकती है जिस वजह से क्या होगा, टेम्परेचर विल रिमेन सेम थ्रू आउट द गैसेस, दोनों गैसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा. तो सबसे पहले मान लो टेम्परेचर टी है और एन वन एन टू नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट पार्ट में एंड राइट पार्ट में. तो लेफ्ट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स एन वन है और राइट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स एन टू है, ठीक है यहां तक. अब लेफ्ट की जो इनिशियली वॉल्यूम आधा आधा था, लेफ्ट की तरफ भी वी नॉट बाई टू था, राइट की तरफ भी वी नॉट बाई टू था, लेकिन प्रेशर एक में पी वन था एक में पी टू था. तो लेफ्ट साइड पे प्रेशर पी वन था, वॉल्यूम वी नॉट बाई टू था, तो नंबर ऑफ मोल्स एन वन इन टू आर टी. फिर राइट साइड के लिए भी वॉल्यूम बराबर था, वी नॉट बाई टू था, एन टू इन टू आर टी. ये कब की बात है, जब स्लाइडर कहां पर था, मिड पॉइंट में था. फिर हमने स्लाइडर को शिफ्ट करवा के इक्विलिब्रियम पोजिशन पे ले आए थे. तो ये इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो एन वन एन टू इज पी वन बाई पी टू की रेशियो आ गई, ठीक है यहां तक. फिर हमने क्या किया, सेपरेटर को हम इक्विलिब्रियम में ले आए. इक्विलिब्रियम में लाने से इक्विलिब्रियम जब आया तो इक्विलिब्रियम का मतलब प्रेशर अब ना लेफ्ट का बड़ा ना राइट का बड़ा, तो लेफ्ट और राइट का वॉल्यूम जरूर चेंज हो गया. लेफ्ट का वॉल्यूम अब वी वन हो गया तो राइट का वी टू हो गया. लेफ्ट और राइट का प्रेशर अब सेम हो गया, तभी क्या अटेन हो गया इक्विलिब्रियम पोजिशन. तो ये इक्वेशन क्लियर है. अब टेम्परेचर की वैल्यू भी पहले क्या थी, टी थी, अब कितनी हो गई, टी डैश टी डैश, लेकिन रहेगा सेम क्योंकि गैस दोनों कंटेनर में इक्विलिब्रियम में है तो हीट फ्लो अलाउड है, जिस वजह से टेम्परेचर अब नया आ जाएगा लेकिन दोनों में सेम रहेगा. तो पी डैश वी वन एन वन आर टी डैश, नंबर ऑफ मोल तो चेंज नहीं हुए, पी डैश वी टू एन टू आर टी डैश. इन्हें अगर डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगी, लेकिन पिछली स्लाइड से n1 is to n2 क्या था, p1 is to p2, ठीक. वॉल्यूम v0 था v1 plus v2, v1 is to v2 की रेशियो है. इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके v1 एंड v2 कैन बी कैलकुलेट. ठीक, तो यहां से v1 v2 कैन बी कैलकुलेटेड. कोई डाउट इसमें, क्वेश्चन देखो.
क्वेश्चन में ये गिवन है, अ थिन ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज सील्ड एट बोथ एंड. एक ट्यूब है और दोनों तरफ से हमने इसे क्या कर दिया, बंद कर दिया. ये लो, इट लाइज हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली है. द मिडल 5 सेंटीमीटर कंटेनिंग मरकरी, तो बीच में 5 सेंटीमीटर की क्या पड़ी हुई है इसमें, मरकरी. ठीक, मरकरी. एंड द पार्ट्स ऑन इट्स टू साइड्स कंटेनिंग एयर एट सेम प्रेशर पी एंड पी. तो यहां पर हवा है बीच में लेकिन वैसे बंद है लेफ्ट और राइट से, तो प्रेशर कितना है, पी एंड पी. When tube is held at an angle of 60 degree with the vertical, the length of the air column above and below mercury are 46 centimeter and 44.5 centimeter respectively. तो वो कह रहा है, जब मैंने इस ट्यूब को ऐसे टेढ़ा किया तो मर्करी यहां पे आके रुक गई 5 सेंटीमीटर की, और लेंथ जो कि पहले बराबर थी, ये लेंथ कितनी थी L, ये कितनी थी L, अब ये लेंथ चेंज हो गई एयर की, यहां पर हवा है बीच में, यहां पर कितनी हो गई L1, यहां पर कितनी हो गई L2, प्रेशर्स एडजस्ट हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है मर्करी, तो अपनी लेंथ को एडजस्ट किया उसने, मीन आगे पीछे हो गई थोड़ी सी, कोई डाउट इसमें? ठीक. अब नेक्स्ट, अब इसके अंदर सबसे पहली चीज हम ये निकालेंगे, और ये लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन भी है, L1 एंड L2, ये गिवन है. हम पहले ये निकालते हैं कि ओरिजिनल लेंथ थी कितनी, जो भी थी, थी तो बराबर, तो मान लो इनिशियल लेंथ कितनी थी L1, और सॉरी इनिशियल लेंथ L एंड L, और बाद में लेंथ कितनी होगी L1 एंड L2. जो भी ये L होगा, L, वो L1 और L2 का एवरेज कर लो. एवरेज मींस कि जो नई लेंथ है उनका एवरेज आउट करोगे तो आपके पास एक एवरेज लेंथ आएगी जो कि दोनों तरफ से क्या होगी, बराबर होगी, इसी की इक्वल होगी. अब कम ज्यादा हो गई है पर पहले तो बराबर थी, बराबर में क्या होगी, बराबर में या तो ऐसे कर लो कि पहले लेंथ कितनी थी 2 इंटू एल नॉट थी, ऐसे कर लो, ये एल नॉट है, ये एल नॉट है, तो पहले कितनी थी एल नॉट एंड एल नॉट, अब कितनी है एल वन प्लस एल टू. ठीक, 5 सेंटीमीटर तो पहले भी था, 5 सेंटीमीटर अब भी था, तो अब लेंथ एल नॉट कितनी थी एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाय टू, एक ही बात है. ठीक, ये ज्यादा बेटर मेथड है. ठीक, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, L नॉट आ गया, आपको यह पता लग गया कि लेफ्ट और साइड पर एयर का लेंथ कितना था, एयर की लेंथ कितनी थी, कोई डाउट इसमें? अब आगे, अब देखो जो भी एयर का पोर्शन है ये वाला, इसका जब वॉल्यूम कम या ज्यादा होगा, इसमें टेम्परेचर क्या है सेम है, तो इसमें लगेगा बॉयज लॉ, पी इंटू वी इज अ कॉन्स्टेंट, जिसका वॉल्यूम बढ़ेगा उसका प्रेशर कम हो जाएगा. तो मेरे को ये चीज पता है कि पी वन एल वन ए, देखो P1 L1 A प्रेशर लेंथ इनटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन, राइट वाला जो राइट वाला पोर्शन है, इसका जो एरिया है वो कितना है, ए एपिस्टल, इसका इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू एल नॉट वॉल्यूम है. तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, राइट साइड पे प्रेशर पहले कितना था पी, वॉल्यूम कितना था एल नॉट ए. अब प्रेशर कितना हो गया पी वन, और वॉल्यूम कितना हो गया एल वन इंटू ए, इक्वेट कर दिया. यहां से ए कैंसल, पी वन की वैल्यू पी इंटू एल नॉट बाय एल वन, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस केस में ऐसे लोअर पार्ट के लिए सेम रूल लगेगा, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी. तो आपके पास अब अपर पार्ट का प्रेशर P1 आ गया, लोअर पार्ट का प्रेशर P2 आ गया, गुड आउट इसमें. आगे, अब जब प्रेशर आया और ट्यूब टेढ़ी है, ट्यूब टेढ़ी है, और आपने जब प्रेशर निकाला, तो मुझे एक चीज पता है कि प्रेशर के केस में ये मरकरी है, ये मरकरी है, और ये ट्यूब कितने एंगल पर है, 60, तो यहां पर मरकरी का क्या एक्ट करेगा, वेट mg, कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे ना, तो मरकरी का वेट mg, mg, और ये जो एंगल है ये कितना है 60, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा
30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30. mg का एक कंपोनेंट नीचे एक्ट करेगा, कितना, mg इंटू साइन ऑफ 30. ठीक, इधर से प्रेशर कितना लग रहा है, पी वन इंटू एरिया, फोर्स इतनी लग रही है पी वन इंटू एरिया, इधर से फोर्स कितनी लग रही है पी टू इंटू एरिया, पी वन इंटू एरिया पी टू इंटू एरिया. तो यहां पर इक्विलिब्रियम में मरकरी, तो ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स सेम. तो इसका मतलब कि यहां पर अगर सिर्फ प्रेशर प्रेशर की बात करते हो, या एरिया के साथ फोर्स नहीं लेना कोई बात नहीं, प्रेशर प्रेशर की बात कर लो, इधर से प्रेशर P1, इधर से प्रेशर P2, और यहां फोर्स कितनी है mg sin 30, और कितने एरिया के ऊपर a. तो अब क्योंकि मरकरी इक्विलिब्रियम है, तो इधर का प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू इधर का प्रेशर, तो इधर का प्रेशर कितना है पी वन प्लस mg sin 30 बाय एरिया, और ऊपर का प्रेशर कितना है पी टू. इसने क्या किया सॉल्यूशन में, साइन 30 की जगह क्या लिख लिया कॉस 60, बात तो एक ही है, साइन ऑफ 30 और कॉस ऑफ 60 एक ही वैल्यू देगा, तो आप साइन में लिख लो कोई दिक्कत नहीं है. पर आपको इक्वेशन समझ में आई कैसे बनी इसमें, तो ऊपर और नीचे का प्रेशर के साथ इसको इक्विलिब्रियम में ले आए हम, एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्सेज आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है. तो यहां पे प्रेशर पी टू हमें पता है पी एल नॉट बाई एल टू पिछली इक्वेशन से, पी वन पता है, इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी, यहां से सॉल्व करके P एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, दिस इज आंसर. तो ये नया ये जो है ये प्रेशर P की वैल्यू आ जाएगी जो पहले एग्जिस्ट करती थी. तो एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट पर बॉयल लॉ लगा रहे हैं, बॉयल लॉ की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, और इक्विलिब्रियम भी मेंटेन कर रहे हैं, इन दी एंड प्रेशर लेफ्ट और राइट का क्या कर रहे हैं सेम कर रहे हैं. लास्ट में इसको खत्म करते हैं. जो प्रेशर है पी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पी की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिख देंगे एचरोजी. वैसे तो आंसर आ ही गया, प्रेशर पी का में वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा, नहीं तो अगर सेंटीमीटर में निकालना है प्रेशर तो ऐसे कर लो, पी को लिख लो एचरोजी, और मास को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मरकरी का मास भी तो पुट करना है, सच मरकरी का मास तो पता नहीं आपको, तो मरकरी का मास इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ ऑफ मरकरी, वॉल्यूम ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी. तो यहाँ से जी की जरूरत नहीं है, मास है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे, तो मास की वैल्यू ऊपर पुट करके एच रो जी पुट करके एच आ जाएगा, और आंसर में लिखेंगे इतने सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम. तो एंड में नहीं तो पी की फॉर्म में छोड़ दोगे तो भी ठीक है, मास पुट कर लेना तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा, जो भी पी आएगा उसको इन दी एंड लिखना पड़ेगा एच रो जी. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे लिखना है इसे. ये क्वेश्चन अभी हमने कर लिया, ये क्वेश्चन एक बार प्लीज रीड करना क्या है क्वेश्चन, देखो
assume that temperature remains constant in the upper part of the atmosphere. Obtain an expression for variation in the pressure in the upper atmosphere with height. तो upper atmosphere में जाए जहाँ temperature को constant रखा जाता है, आपको बताने कि वहाँ पर pressure की value कैसे change होगी जैसे जैसे आप height attain करते हो. और molecular weight of the air is capital M. तो सबसे पहली चीज़ upper part of atmosphere जो है वो atmosphere तो 200 किलोमीटर height पर obviously तक range lie करता है. और आपने lower की बजाय upper part पे काम करना है जहाँ temperature almost same रहता है. तो इसके लिए काम करेंगे, जैसे जैसे आप हाइट अटेन करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, उल्टा कम होगी. अब नीचे खड़े हो, एटमॉस्फेयर पूरा आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, आप ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेयर थोड़ा कम प्रेशर लगाएगा. तो लेट अस सपोज आपने प्रेशर हाइट एच पर क्या लिया, पी, एंड एच प्लस डी एच, थोड़ी सी हाइट और अटेन करोगे तो कितना हो जाएगा, पी प्लस डी पी, वे डी पी कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, डी पी का मतलब चेंज. अब डी पी की वैल्यू क्या होगी, एच रो जी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, ठीक. तो आप हाइट अटेन कर रहे हो, एच जब बढ़ता है तो पी कम हो रहा है, इसलिए साइन नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है. तो ये टर्म क्लियर है, स्मॉल हाइट डी एच के साथ स्मॉल प्रेशर डी पी है. अब लेट अस सपोज जिस पोर्शन में आप काम कर रहे हो उसका वॉल्यूम कितना है डेल्टा वी, और मास कितना कंसिडर किया आपने सैंपल का, डेल्टा एम. तो डेल्टा एम मास पे डेल्टा वी जो है इसका चेंज इन वॉल्यूम है. तो उस पोर्शन के लिए P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू एन आर टी, और N को क्या लिखेंगे, जितना मास आपने कंसिडर किया डिवाइडेड बाय कैपिटल M, मोल्स की जगह पुट कर लिया. यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, प्रेशर की वैल्यू आ गई. प्रेशर में मास बाय चेंज इन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ ऐसे रिलेटेड है, ये वैल्यू आ गई आपके पास. तो यहां से क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेंसिटी आ गई. तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, इस डेंसिटी के फॉर्मूले को उठा के ऊपर पुट करते हैं यहां पे, और इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट. जब आप सरफेस ऑफ अर्थ पे थे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था पी नॉट, तो हाइट क्या थी, हाइट की लिमिट जीरो. जब एच हाइट पर चले गए तो प्रेशर कितना हो गया पी, और इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन है, आपने ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडर नहीं किया. नहीं तो कोई कहेगा सर ग्रेविटी भी तो चेंज हो रही है, जी चेंज हो रहा है, उसको कंसिडर नहीं किया. तो यहां से लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ पी, कहां से कहां तक, पी नॉट से लेके पी तक, तो माइनस एम आर टी जी हाइट 1 डी एच की इंटीग्रेशन एच 0 से एच, लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ पी नॉट लिमिट पुट कर रहे हैं आर टी हाइट की जगह एच, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा, लॉग ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच डिवाइडेड बाय आर टी. लॉग का बेस क्या है नेचुरल ई, और ये रूल है कि आप जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ध्यान से देख लें कि जब लॉग राइट साइड पे जाएगा तो पी बाय पी नॉट विल बी इक्वल टू जो ये बेस होता है, बेस यहां पर आ जाएगा और ये पूरी की पूरी टर्म इसकी पावर बन जाती है, दैट इज माइनस एम जी एच डिवाइडेड बाय कितना आर टी. तो प्रेशर की वैल्यू आपके पास सॉल्व करके आएगी पी नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम जी एच बाय आर टी. पॉइंट क्लियर है यहां तक कि प्रेशर टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड होगा, एच हाइट पर ऐसे रिलेटेड होगा.
horizontal tube, देखो horizontal tube of length L closed at both ends contains an ideal gas of molecular weight m. तो एक ट्यूब है दोनों एंड से क्लोज्ड है लेंथ L है और मॉलिक्यूलर वेट m है. ट्यूब इज रोटेटेड एट अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू एन एंड एंड अज्यूमिंग टेम्परेचर टू बी यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट शो दैट प्रेशर P2 और P1 ऐसे रिलेटेड है और P2 P1 प्रेशर है क्या फ्री एंड एंड फिक्स्ड एंड पर. देखो क्वेश्चन ये है समझो ये एक ट्यूब है ट्यूब जो है इसके अंदर गैस है ट्यूब घूम रही है ट्यूब जब घूम रही है ये इसका फ्री एंड है और ये इसका फिक्स्ड एंड है तो फिक्स्ड एंड और फ्री एंड का प्रेशर सेम नहीं होगा वो डिफर करेगा क्योंकि पूरी की पूरी गैस पीछे की तरफ जाएगी प्रेशर पीछे ज्यादा लगेगा तो यहां ज्यादा प्रेशर होगा यहां कम प्रेशर होगा. ठीक है यहां तक. अब इसके अंदर लेट अस सपोज एक एलिमेंट लिया आपने गैस का वैसे तो पूरी की पूरी गैस जो है वो घूमती जा रही है और इसके पास पूरी ट्यूब एंड गैस के पास अगर आप ग्राउंड के फ्रेम से देखें तो ग्राउंड के फ्रेम से आप ये बोलेंगे इसके पास सेंट्रिपिटल है क्योंकि आप लोग कहेंगे देखो ट्यूब एंड गैस दोनों की दोनों सर्कल में घूम रही है. लेकिन अगर आप इसके अंदर चले जाएं तो आप ये कहेंगे कि मेरे को पीछे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स. तो दो एक्सप्लेनेशन है. आप अगर ट्यूब के अंदर जाके काम करेंगे तो आप बोलेंगे सूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल है. लेकिन अगर आप अर्थ के फ्रेम में काम करेंगे आप कहेंगे देखो ये चीज घूम रही है इसके पास सेंट्रिपिटल है कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसके अंदर सपोज आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया गैस का एक छोटा एलिमेंट ले लिया इसका वॉल्यूम कितना होगा एरिया इंटू डीएक्स. ठीक. यहां पे प्रेशर अगर पी है तो यहां पर पी प्लस डीपी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा प्रेशर पी प्लस डीपी. तो इस एलिमेंट पर प्रेशर पी है तो यहां पर पी प्लस डीपी और इस केस में जो फोर्स लगेगी फोर्स वो क्या लगेगी इस एलिमेंट पे क्योंकि यहां से प्रेशर लग रहा है पी यहां से क्या लग रहा है पी प्लस डीपी क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा है इस गैस ये गैस इधर प्रेशर लगाने की कोशिश कर रही है और ये वाली इस तरफ तो यहां पर कितना लग रहा है पी प्लस डीपी यहां पर कितना है पी तो ऑब्वियसली यहां पे ओवरऑल प्रेशर कितना लग रहा है डीपी ज्यादा तो इस पोर्शन पे डीपी प्रेशर लग रहा है और डीपी प्रेशर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी फोर्स. ये फोर्स कहां एक्ट करेगी टुवर्ड्स सेंटर और क्या प्रोवाइड करेगी सेंट्रिपिटल. तो ये फोर्स आ गई स्मॉल फोर्स कहां एक्ट कर रही है टुवर्ड्स सेंटर और सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होती है स्मॉल मास इनटू इसका रेडियस कितना है एक्स इनटू ओमेगा स्क्वायर. तो इसका मतलब जो स्मॉल फोर्स आई इस तरफ ये फोर्स सेंट्रिपिटल की तरह काम कर रही है इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर की जगह एम एक्स ओमेगा स्क्वायर. एक्सिस तो ये है इसके अबाउट घूम रही है तो रेडियस ये है. ठीक डीएक्स के लिए काम हो रहा है ये सिर्फ इंटीग्रेशन करके टोटल आएगा वैसे डीएक्स है. देखो डीपी का कॉन्सेप्ट ऐसे समझेंगे कि सपोज आपके पास ये लो ये एक ट्यूब है ये इसका एक्सिस है ये एलिमेंट है यहां पे मैं बता रहा हूं प्रेशर लग रहा है पी पी इंटू एरिया फोर्स और यहां पर लग रही है P प्लस DP इस पॉइंट पर इनटू एरिया. ठीक देखो ना इमेजिन करो यहां ज्यादा भीड़ है भीड़ क्यों है क्योंकि ज्यादा गैस पीछे की तरफ है यहां कम है तो ज्यादा भीड़ कम भीड़ की तरफ आने की कोशिश करेगी तो ज्यादा फोर्स इस तरफ लगेगी और कितनी इन दोनों का डिफरेंस और वो डिफरेंस कहां आएगा इस तरफ आएगा कितना DP इनटू एरिया ऐसे है और यही प्रोवाइड करेगी इस गैस के एलिमेंट को सेंट्रिपिटल. ठीक तो ये सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला ये रहा. ठीक तो हम एक काम करते हैं इसके अंदर छोटे पोर्शन के अंदर PV = nRT लगा रहे हैं. PV = nRT में प्रेशर यहां पर इस एलिमेंट पे P है और इनटू V वॉल्यूम कितना है इसका A इनटू DX ये लेंथ कितनी है DX और एरिया तो प्रेशर यहां पर P है P इनटू इसका वॉल्यूम कितना है A इनटू DX तो P फॉर प्रेशर इसका वॉल्यूम ए इंटू डी एक्स एन नंबर ऑफ मोल्स कितने इसका मास है डीएम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इंटू आरटी. यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डीएम निकालो इस डीएम को यहां पुट कर दो तो ये देखो सेम इक्वेशन फिर से एक बार ये रही डीएम एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ इस डीएम को उठा के ऊपर तो ये टर्म बन गई यहां से एरिया इस तरफ
और p प्रेशर इस तरफ, तो 1 बाई पी डी पी इज दिस टर्म इन टू एक्स इन टू डी एक्स. तो लिमिट लगाएंगे 0 से लेके एल तक और पी वन से लेके पी टू, क्योंकि एक एंड का प्रेशर पी वन है, दूसरे एंड का प्रेशर पी टू. तो प्रेशर की लिमिट्स लगाई और यहां से लेंथ की लिमिट लगाई, तो यहां पर लॉग ऑफ पी आएगा, लॉग पी जैसे भी किया था, लॉग पी टू माइनस लॉग पी वन, लॉग ऑफ पी टू बाई पी वन, लॉग हटेगा तो ई रेज टू पावर ये टर्म आ जाएगी और फिर फाइनल आंसर आ जाएगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वैसे मेडिकल में तो नहीं आएगा ये, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से. नॉन मेडिकल को समझ में आ रहा है एटलीस्ट, ठीक पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे एक आइडिया दे रहे हैं कि इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है. कोई डाउट इसमें? ठीक. नेक्स्ट जो है आपको अभी एक असाइनमेंट मिली है 2-3 पेज की, नहीं मिली वो पीछे लेके आना जरा शुभम असाइनमेंट्स, पहले छोटी वाली लेके आना, ये रही पीछे बेंच पे वो वाली दूसरी.